नमस्कार, मैं हूं रश्मि किरण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज। महावीर इंग्लैंड में स्थित भगत चंद्रा हॉस्पिटल ने वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पर जागरूकता के लिए एक कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें समाज से जुड़े प्रतिष्ठित लोग पहुंचे और उन्होंने बताया कि कैसे अपने पर्यावरण को साफ सुथरा और स्वच्छ रखें। देखिए रिपोर्ट। साल 5 जून का दिन दुनिया भर में विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका मकसद है लोगों को पर्यावरण की सुरक्षा के प्रति जागरूक और सचेत करना, क्योंकि प्रकृति के बिना मानव जीवन संभव नहीं। इसी कड़ी में महावीर इंग्लैंड में स्थित भगत चंद्रा हॉस्पिटल ने वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पर जागरूकता के लिए एक कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें समाज से जुड़े प्रतिष्ठित लोग पहुंचे। इस कार्यक्रम में पॉलिटिशियन थे तो वहीं एनजीओ से जुड़े लोग भी थे और समाज सेवी भी थे। अब इसमें एक तो लोगों को सेंसिटाइज करना था कि क्या कर सकते हैं। अब पर्यावरण पे लोग या तो पॉलीथीन या पौधे, दो चीज़ों की बात करते हैं, लेकिन एनर्जी कैसे बचानी है, फ्यूल कैसे बचाना है, पोल्यूशन कैसे करनी है, डस्ट कम करना है, ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं। तो कोशिश किया। अब इसके बाद हम बहुत सारे प्रवक्ताओं को दो दो चार चार मिनट बोलने के लिए बोलेंगे, ताकि वो जब देखे, जब आदमी खुद कुछ बोलता है ना तो वो उसको करता भी है। तो जिस तरह से सर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, गर्मी बढ़ रही है, तो आप लोगों को क्या सलाह देना चाहेंगे इस गर्मी में, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं करना क्या चाहिए। नहीं, करना तो वही है जो इतनी देर मैंने बताया कि एनर्जी की कंजम्पशन कम करिए, जो ट्रैवल करना है आप जैसे मल्टीटास्किंग करिए, आप बाज़ार निकलें एक काम कर लें तो चार करके आइए, ये नहीं कि एक बारी गए दूसरी बारी दूसरी गए। आप हर बारी गाड़ी का तेल तो फूक रहे हो ना, अपना टाइम भी वेस्ट कर रहे हो। ऐसा नहीं सर, हार्ट अटैक भी पड़ रहे हैं, बहुत सारी खबरें ऐसी भी आई। हार्ट अटैक कह लो या डिहाइड्रेशन, हीट स्ट्रोक, हीट स्ट्रोक एक बड़ी डेंजरस चीज़ है। तो इससे बचाव के लिए खुद ही जो है सावधान रहना, ढक के रखिए और पानी बीच बीच में पीते रहिए, और अपने आप को हाई प्रोटीन डाइट नहीं लीजिए। अभी हाई प्रोटीन डाइट में जैसे मीट ये वो हो गया, पनीर वगैरह, हाई प्रोटीन डाइट को भी थोड़ा कम रखिए और पानी पीते रहिए, और नमक का ये बाकी ये खीरा ककड़ी टमाटर जो सैलड है, जो इन दिनों बहुत ताइट होता है, जो हम देखो जो समझा रहे हैं वही तो कर रहे हैं हम। और सर आज आपने बहुत सारे समाज के लोगों को बुलाया जो लोगों के बीच में रहते हैं, इसका क्या मकसद है? क्योंकि मैं देख रहा हूँ पॉलिटिशियन भी हैं, समाज सेवी भी हैं, एनजीओ से भी लोग हैं। हाँ देखिए, कुछ हमारा एफर्ट है, कुछ जो बाकी संस्था है विकास जिंदा है उनका भी है, और साहित्य 24 के भी लोग हैं, तो बुलाया गया है सबको ताकि सब लोग इन्वॉल्व। मैसेज आ सकता है, एम तो वही है। बता दें कि इस कार्यक्रम के जरिए लोगों को बताया गया कि कैसे अपने पर्यावरण को साफ सुथरा और स्वच्छ रखें, ग्लोबल वार्मिंग से कैसे बचे और कैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल का इस्तेमाल करके हवा को शुद्ध रखें और प्रदूषण से कैसे बचे। अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे इसी खबर पर। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। महावीर इनक्लेव पालम डाबडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर सीएम भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल, आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब चलिए आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने क्या कुछ कहा। मैं कुछ संदेश देना चाहता हूँ। मैं भी हर्न एक ट्रस्ट चला रहा हूँ, जिसका मोटो ही यही है, द प्लांट द सेव द वर्ल्ड, प्लांट द ट्री सेव द अर्थ। यानी कि अब वो समय नहीं रह गया है कि आप जो है पेड़ को नहीं काटोगे, अब ये है कि पेड़ तो काटना छोड़ना ही है, साथ साथ आपको पेड़ लगाना पड़ेगा। नंबर एक। नंबर दो, किसी भी तरह का वाटर कंजम्पशन को कम किया जाए। नंबर दो, फ्यूल कंजम्पशन को कम किया जाए और एसी को भी कम किया जाए। एसी में जैसे कि ड्रेनेज होती है, पानी निकलता है, उसको आप रिसाइकल कर सकते हैं, उसमें बाल्टी लगा दीजिए,
जैसे कि आरओ के अंदर भी जो निकलता है पानी उसको भी आप जो है रिसाइकल कर सकते हैं, वेस्टेज में काम कर सकते हैं, बाथरूम जाने का काम आ जाता है, पौधों में देने का काम आ जाता है। इस तरीके से इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है, क्योंकि हमारे जैसे कई सारे ऐसे ट्रस्ट जो अलग अलग काम कर रहे थे, सीएम भगत ने इस चीज़ को बहुत ही बढ़ावा दिया है और सबको धीरे 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 एक प्लेटफॉर्म पे ला रहे हैं, और जो वार्मिंग हो रही है हमारी इन्वायरमेंट को लेके उसको सब इकट्ठा कर रहे हैं। तो ये मजबूती से क्या होगा कि पहले अलग अलग जो थे वो धीरे 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 कई सारे ट्रस्ट, कई सारे सोसाइटी, कई सारे लोग मिलके इकट्ठा हो रहे हैं और इन सबको इकट्ठा करके इस वार्मिंग के बारे में सारा कुछ हम लोग कर रहे हैं। किस तरह की गाड़ियाँ यूज करनी चाहिए, कितने देर में खाना पकाना चाहिए, क्या खाने में नलके लगना चाहिए, नहाने टाइम में हमें क्या यूज करना चाहिए जो वाटर कंजप्शन, तो ऑलमोस्ट ये है कि ये सब मिलके ये चाहते हैं कि हम लोग चाहते हैं कि किसी तरह से पेड़ कटना भी बंद हो, पेड़ लगे, और जो भी वार्मिंग के अगेंस्ट में होता है उन चीज़ का अवेयरनेस हम ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएँ। थैंक्स एंड लॉट। मैसेज सिर्फ इतना है कि अधिक से अधिक लोगों को जागरूक होना चाहिए, खासकर महिलाओं को जागरूक होना चाहिए। हम बहुत बड़ी बात नहीं करते कि हम जा करके वन लगा देंगे, वृक्ष लगा देंगे, पेड़ लगा देंगे या गार्डनिंग कर देंगे, बहुत लबड़े। हम अपने घर में अपने प्रयासों से अपने जो हमारी कैपेसिटी है उतने में ही अगर हम किचन में अपने ठीक कर लें, एसी को ठीक कर लें, जो हम एनर्जी की चीज़ें यूज करते हैं उसको अगर हम मिनिमाइज़ कर लें और ठीक कर लें तो हम बेहतर तरीके से पर्यावरण की रक्षा कर पाएंगे। आज किन किन लोगों को बुलाया गया है यहाँ पर? आज कार्यक्रम में यहाँ पे जो समाज सेवी हैं और जो लोग इन चीज़ों को समझते हैं उन लोगों को इस कार्यक्रम में बुलाया गया है, और जिनकी वजह से जो है हम समाज में पर्यावरण की जो है पर्यावरण की जागरूकता को ले आ पाते हैं, ऐसे लोगों को बुलाया गया है। देखिए, हम अपनी जीवन की भागदौड़ में ना पौधों की बात करते ही नहीं हैं, जबकि आज की डेट में मेरे ख्याल से हर इंसान को एक पौधा तो लगाना ज़रूरी है। जिस तरीके से हम माहौल देख रहे हैं अपने चारों तरफ, टेम्परेचर देखिए कितना हाई हो गया है ना, तो पौधों की ज़रूरत तो डेफिनेटली है। और बड़ा अच्छा लगा आज इवेंट में आकर के कि चलो एटलीस्ट थोड़ा सा समय निकाल के हमने इस मुद्दे को एड्रेस तो किया है ना। और अगर ये संस्था यहाँ पे है जो प्लांटेशन वगैरह के काम करती है तो मैं तो डेफिनेटली जुड़ना चाहूँगा। बता दें, डॉक्टर सीएम भगत समय समय पर राष्ट्रीय हित और जन कल्याण से जुड़े जागरूकता अभियान चलाते रहते हैं और ये बहुत ही शानदार कार्यक्रम रहा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।